भारत में एनआरसी और सीए को लेकर कई राज्यों सहित शहर में विरोध प्रदर्शन जारी है। खैर, बिल दोनों सदनों में पारित होने के बाद यह प्रदर्शन लगातार जारी है। इसके कई दिनों बाद भी समर्थन के पक्ष में कई पार्टी और नेता भी आए दिन सामने आते हैं। इसी को लेकर इंदौर में भी प्रदर्शन के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देर रात प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। भारत में सीएए और एनआरसी को लेकर सदनों में बिल पास होने के बाद से ही सड़कों पर इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नागरिकता कानून को लेकर जहां एक और बीजेपी द्वारा घर घर जाकर इसे आम जनता को बताया जा रहा है, तो वहीं एक बड़ा कुनबा इससे अलग दिखाई दे रहा है। वहीं कई दिनों से जारी इन प्रदर्शनों का अभी तक कोई भी ठोस निकाल नहीं होने के चलते प्रदर्शन लगातार जारी है। न जाने कितने दिन और इस तरीके के प्रदर्शन जारी रहेंगे, ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। फिलहाल इंदौर में जारी प्रदर्शन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देर रात प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचे। यहां उन्होंने मंच से दिल्ली में बैठे केंद्र के नेताओं तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। ऐसा उससे उन्हें वापस हटना पड़ेगा। हम ये देश किसी हालत में सीए एनपीआर एनआरसी को स्वीकार नहीं कर सकता। सर, एनपीआर को लेकर सूबे की अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही है? पूरा स्टैंड क्लियर है। किसी हालत में एनपीआर का वो हिस्सा जिससे हमें ऐसी जानकारी मांगी जा रही है जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसे देने के लिए हमें बात नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं है, ये तो भारत का मुद्दा है। हमारा स्टैंड साफ है, वर्किंग कमेटी पहले पास कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उस पर देखेंगे।